नमस्कार और आप सभी का इस ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन में स्वागत है। यह सुबह सवेरे उठने के बाद सुने जाने वाला एक बहुत ही अच्छा सेशन है। सूर्योदय के साथ उठना हमें अपने नए दिन को नए सिरे से अप्रिसिएशन के साथ शुरू करने का बढ़िया मौका देता है। नींद के आगोश में से बाहर निकलकर अपने आप को होशोहवास की इस अवस्था में लाने के लिए थोड़ा समय जरूर लें। अगर आप चाहें तो अपनी आंखें खोल सकते हैं, नहीं तो उन्हें बंद भी रख सकते हैं। एक गहरी सांस लें और अपने फेफड़ों को मजबूत बनाएं, उन्हें जगाएं और अपने शरीर को अच्छे से स्ट्रेच करते हुए धीरे से जगाएं। सुबह सवेरे हमारे ख्याल अक्सर इधर उधर ही रहते हैं, हमारी जिम्मेदारियों के चलते इधर उधर भागते हैं, जैसे कि हम नाश्ते में क्या खाएंगे, आना जाना कैसे करेंगे, अपने ऑफिस के कामों और हर वो चीज़ जो हर रोज़ हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती है उनके पीछे भागते रहते हैं। तो इससे पहले कि आपका मन पूरी तरह से जाग जाए, हम इसे एक खाली कैनवस बना लेते हैं। एक अच्छी और गहरी सांस लें और फिर उसे बाहर छोड़ दें। यह एक क्लेंजिंग ब्रेथ है जो आपके मन के कोने कोने की सफाई कर देती है। बीते हुए कल के मामलों और आने वाले कल की चिंताओं से अपने मन को साफ कर ले। आज एक नई शुरुआत करने का इरादा बनाएं। अपने दोनों हाथों को आहिस्ता से अपने पेट के पास रखें और ज्यादा एनर्जी, ज्यादा अलर्टनेस के लिए अपने आप को अपनी इच्छा शक्ति से जोड़ें और ग्रैटिट्यूड के साथ अपने दिल की नई शुरुआत करने के इरादे के साथ एक गहरी सांस लें। अपने हाथों को नीचे बहने वाली इस स्फूर्तिदायक ऊर्जा, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को महसूस करें और उसे अपने पूरे शरीर में बहने दें। अपने हाथों को अपने पेट के बीचों बीच, जो कि आपका ऊर्जा केंद्र है, उस पर रखे रहें और आप सूरज की कल्पना करें। ऐसे सोचिए जैसे यह क्षितिज यानी कि होराइजन पर आ रहा है। अब देखिए यह जिसे भी छूता है उसे रोशन कर देता है, जैसे कि ओशंस, पहाड़, घास और आपकी त्वचा। इसे अपने शरीर का स्पर्श करते हुए, उसे ताप देते हुए, जगाते हुए महसूस करें। पक्षियों की चहचहाहट और मुर्गे की बांग सुनिए, क्योंकि सूरज के उगने पर वे इसी तरह उसका स्वागत करते हैं। फूलों को धीरे से धन्यवाद की मुद्रा में प्रकाश की ओर मुड़ते हुए देखें। आप भी इन फूलों की तरह अपना सिर ऊपर उठाएं, जो सूर्य के प्रकाश की एक एक किरण को पीते हैं। इस प्रकाश को आपको और आपके आसपास की जगह को भिगोते हुए, उसे साफ करते हुए महसूस करें। यह प्रकाश जो आपके शरीर को ताकत प्रदान करता है। अब सोचिए जैसे सूर्य का यही प्रकाश आपके मन को भी रोशन कर रहा है, इसलिए अब अपने मन को अच्छे से और खुशनुमा विचारों से भरें और नींद की सुस्त छाया को दूर भगा दें। अपने दिन की सही शुरुआत करने के लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराएं।
एक गहरी सांस ले और फिर उसे धीरे से बाहर छोड़े और अब मेरे पीछे पीछे बोलिए, मैं आज के इस दिन के लिए शुक्रगुजार हूँ, ग्रेटफुल। आप अपने शब्दों में थोड़ी बहुत भावनाएं भी जोड़ सकते हैं ताकि आपको सचमुच ग्रैटिट्यूड महसूस हो। इस बात की चिंता किए बिना कि आपका दिन कैसा जाएगा और बिना कोई भी उम्मीद रखे, बस आज सुबह जागने के लिए थैंक यू, धन्यवाद करें। मैं आज के इस दिन के लिए ग्रेटफुल हूँ। अपने आप से ग्रैटिट्यूड की इस धारा को बहते हुए महसूस करें, क्योंकि आप अभी इस समय आराम से सांस ले पा रहे हैं और एप्रिसिएशन के इस अद्भुत पल को एंजॉय कर पा रहे हैं। मैं आज के इस दिन के लिए ग्रेटफुल हूँ। और अब बोलिए, मैं अपने शरीर के लिए ग्रेटफुल हूँ। जब आप यह कहते हैं कि मैं अपने शरीर के लिए ग्रेटफुल हूँ, तो इसे अपने शरीर के हर एक हिस्से से गुजरता हुआ महसूस करें। इसे अपनी हड्डियों के अंदर बहुत गहराई में महसूस करते हुए एक बार फिर से कहें, मैं अपने शरीर के लिए ग्रेटफुल हूँ। अब कहें, मैं अपने मन के लिए ग्रेटफुल हूँ। अपने सुंदर, अनोखे और बढ़िया मन के लिए थैंक्स कहें। मैं अपने मन के लिए ग्रेटफुल हूँ। मैं अपने मन के लिए ग्रेटफुल हूँ। जब आप यही बात बार बार दोहराते हैं कि मैं अपने मन के लिए ग्रेटफुल हूँ, तो इस तारीफ को अपने सिर से गुजरता हुआ महसूस कीजिए। ब्यूटीफुल। अब कहें कि मैं आज जो कुछ भी अनुभव करूंगा या करूंगी, उसके लिए ग्रेटफुल हूं। अब यही बात एक बार फिर और दृढ़ विश्वास के साथ कहें, मैं आज जो कुछ भी अनुभव करूंगी, उसके लिए ग्रेटफुल हूं। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हमारा हर अनुभव हमें यह बताता है जो आज हम हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव को एक ही नज़र से देखें, क्योंकि ये सभी हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। मैं आज जो कुछ भी अनुभव करूंगी, उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। हमारा हर अनुभव आगे बढ़ने का एक मौका, एक अवसर है। इसी बात को बार बार दोहराते हुए कि मैं आज जो भी कुछ अनुभव करूंगी, उसके लिए ग्रेटफुल। इस अप्रिसिएशन, इस तारीफ को अपनी जानकारी में बनाए रखें। और अब इस वाक्य में कि मैं डैश डैश के लिए ग्रेटफुल हूँ, अपने पसंद के शब्द भरकर आप एक नया अफर्मेशन बना सकते हैं। आपको मिली इंस्पिरेशन और ग्रैटिट्यूड के इस खुराक के बदले में आप इस दिन को जो भी देना चाहे, उसे अपने शब्दों में पिरोकर कह सकते हैं। अपनी अफर्मेशन तैयार करने के बाद उसे कुछ समय तक दोहराएं। इस दौरान अपने शरीर के केंद्र से गहरी सांसें लें। गहरी सांस लें और आराम से बाहर छोड़ें। और एक बार फिर इस एप्रिसिएशन, इस तारीफ को
अपनी जानकारी में बनाकर रखें। अब अगर आप इस सेशन के समापन के लिए तैयार हैं तो अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब सीधे बैठ जाएं और अपने शरीर को अच्छी तरह से देर तक खींचें। आपकी बाजुएं इस तरह से ऊपर की ओर तनी होनी चाहिए जिससे ऐसा लगे कि आपकी उंगलियां आकाश को छू रही हैं। अपने पैरों को फैला लें, वे उनकी उंगलियों को अच्छे से हिलाएं और अब आप साधारण तरीके से सांस ले सकते हैं, क्योंकि अब आप अपने दाहिने पैर के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और अपने हर कदम पर ग्रैटिट्यूड देखने के लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू।